वक्त अपनी रफ्तार से 2030 की उस डेडलाइन की तरफ बढ़ा जा रहा है जब या तो दुनिया SDG यानी सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर लेगी या अपने जीवन के सबसे बड़े संकट जलवायु आपातकाल का सामना करेगी। दुनिया को 2030 तक सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर लेना है, लेकिन इस दौड़ में भारत पीछे चल रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक के लिए तय किए गए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तर प्रदेश, बिहार और असम सबसे कम तैयार हैं। 13 सूत्री लक्ष्यों में से उत्तर प्रदेश और बिहार 8 लक्ष्यों को हासिल करने में काफी पीछे हैं, जबकि आसाम 6 लक्ष्यों को हासिल करने में पीछे है। सतत विकास का पहला लक्ष्य गरीबी का अंत है। भारत में इस लक्ष्य को हासिल करने में तमिलनाडु, मिजोरम, पुडुचेरी और त्रिपुरा का प्रदर्शन झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली के मुकाबले बेहतर है। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भूख का अंत भी है। इस लक्ष्य को हासिल करने में गोवा, मणिपुर और दिल्ली का प्रदर्शन अब तक बेहतर है, लेकिन झारखंड, बिहार, अंडमान और निकोबार का प्रदर्शन काफी खराब है। अच्छी सेहत का लक्ष्य तीसरा है। इसे हासिल करने में केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी का प्रदर्शन बेहद अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, आसाम और चंडीगढ़ का प्रदर्शन काफी खराब है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। इसके अलावा मेघालय, दमन और दीव बिहार की लाइन में ही खड़े हैं। जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल करने में भी केरल का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। इसके बाद सिक्किम, अंडमान और निकोबार का नंबर है, जबकि लैंगिक समानता के मामले में भी बिहार का प्रदर्शन खराब है। मणिपुर, पुडुचेरी इस मामले में बिहार के बाद आते हैं। स्वच्छ जल और स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन गुजरात का है। इसके बाद छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन इस मामले में भी बिहार फिसड्डी है तो त्रिपुरा और पुडुचेरी का प्रदर्शन भी खराब है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने में तमिलनाडु, मिजोरम, चंडीगढ़ का प्रदर्शन बेहतरीन है, जबकि मेघालय, असम और दिल्ली का प्रदर्शन सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के पैमाने पर खराब है। अच्छे कार्य और आर्थिक विकास के मामले में गोवा, आंध्र प्रदेश, दमन दीव का प्रदर्शन बेहतर है, जबकि मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार का प्रदर्शन खराब है। उद्योग अन्वेषण और ढांचागत विकास का लक्ष्य हासिल करने में मणिपुर, केरल, दिल्ली और पुडुचेरी का प्रदर्शन बेहतरीन है, वहीं नागालैंड, मिजोरम, गोवा, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार का प्रदर्शन खराब है। असमानता को दूर करने के मामले में मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना, दादर नगर हवेली, दमन और लक्षद्वीप का प्रदर्शन बेहतर है, जबकि उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के मामले में बेहद खराब है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रदर्शन भी खराब है। सतत विकास लक्ष्य समावेशी शहर और समुदाय है। इसे हासिल करने में गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार का प्रदर्शन बेहतर है, जबकि जम्मू, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली का प्रदर्शन खराब है। सतत विकास का एक अहम लक्ष्य धरती पर जीवन है। इसे हासिल करने में असम, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तराखंड, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप का प्रदर्शन बेहतरीन है, वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी का प्रदर्शन इस मामले में खराब है। क्षेत्रीय स्तर पर शांति, न्याय और संस्थाओं की मजबूती भी सतत विकास का एक अहम लक्ष्य है। इसे हासिल करने में हिमाचल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी का प्रदर्शन बेहतरीन है, जबकि असम, मेघालय, दादर नगर हवेली का प्रदर्शन खराब है।